हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू एकलिंग जी मंदिर। महादेव का स्थान है, बहुत ही फेमस और बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही मान्यता पूर्वक महादेव का स्थान है। सो लेट्स गो। कंस्ट्रक्शन जो सबसे बड़ा मॉल उदयपुर का, इवन राजस्थान का बनने जा रहा है। बहुत ही लार्ज स्केल पे बहुत बड़ा मॉल है ये सुखेर बाईपास पे लोकेटेड है। ये हम सुखेर का रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। सी द ब्यूटी ऑफ द रोड। उदयपुर एक ऐसी सिटी है जो सब तरफ से पहाड़ से कवर्ड है। आप जिस भी एरिया में जितना भी थोड़ा सा भी दूर जाएंगे तो आपको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे, जो इसकी ब्यूटी पे चार चांद लगाते हैं। बट अभी धीरे धीरे वो पहाड़ कटते जा रहे हैं। अब ये सुखेर ओवरब्रिज, ये अलग अलग जगह नागपुरा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर हवाई अड्डा, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, जोधपुर। ये टनल है, यहाँ पे पहले चिरवा का घाटा हुआ करता था, तो बहुत ही डेंजरस था और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुआ करते थे। बट अभी यहाँ पे एक टनल बन गई है जो बहुत इजी और कन्वीनियंट और शॉर्टकट है, जो सीधा हमें बिटवीन द टू रोड्स पास आउट कराती है। और ये डेंजरस नहीं है, ये आजकल एक पिक्चर हब भी बना हुआ है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, फोटो खींचते हैं और उसके बाद एंजॉय भी करते हैं यहाँ पे आराम से। ये भी एक स्पॉट है जो टनल का है। ये क्रॉस करने के बाद अब एक की तरफ और करीब आ जाएंगे। नाथद्वारा यहाँ से 35 किलोमीटर्स है फ्रॉम सुखेर। ये ऑन द वे टू नाथद्वारा के बीच में एक रास्ता कटता है एकलिंग जी का। सो लेट्स कंटिन्यू टूवर्ड्स महादेव। We have to turn towards left for Kailashpuri Mahadev Darshan. एकलिंग जी मंदिर पहुंच गए। टुडे संडे, दैट्स व्हाई टू मच रश इज हियर। पार्किंग मंदिर के सामने अगर स्पेस मिले तो ठीक, नहीं तो फिर आपको आगे जाके करनी पड़ेगी। वी रीच टू अवर डेस्टिनेशन एकलिंग जी महादेव दर्शन। अभी हम करेंगे, शायद मोबाइल अलाउड नहीं है वहां पे ले जाना। कोशिश करूंगा आपको दर्शन कराने की। लेट्स ट्राई। पार्किंग के लिए थोड़ा आगे खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मंदिर के सामने बहुत ज़्यादा रश है, गाड़ियाँ हैं, तो हमें पार्किंग मिली नहीं थी। हम थोड़ा सा दूर करके आए। ये गेट, ये आपकी क्यूट हीर, हीर से हाय। सो फाइनली We reach to the mandir.
आप एकलिंग जी आते हैं तो यहाँ के फेमस मिर्ची बड़े बहुत ही फेमस है यहाँ पे। ये आके आपने नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया है। सो जस्ट ट्राई दिस गाइस, इट्स ऑसम। और कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? इट्स 6:49 मॉर्निंग संडे। आज मैं आपको फिर एक पहाड़ों के मंदिर के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ, करणी माता। चलो माता के मंदिर, लेट्स गो। मिडल ऑफ द वे सूरज पोल सर्कल है। यहां से हमें स्ट्रेट जाके लेफ्ट टर्न लेना है द गेट टू करणी माता। माता के मंदिर जाने के दो वे हैं, एक रोप वे और एक थ्रू स्टेयर्स। इन द मॉर्निंग अभी रोप वे बंद होगा तो हम स्टेयर्स के थ्रू चलेंगे। मैं आपको रोप वे भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और जय माता दी। द्वार है मंदिर की तरफ। हम ऑन द वे हैं। मॉर्निंग के 7-6 हो गए, उजाला हो गया। विद इन 15 मिनट्स में अंधेरे से उजाला हो गया। और ये थोड़ा सा रास्ता है जो चढ़ाई टाइप का है। यहाँ पे आप पैदल भी आ सकते हो और बाय कार और बाय बाइक भी आ सकते हो। मॉर्निंग में काफी सारे मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं यहाँ पे। और पिछोला के जस्ट नियरर है तो यहाँ पे पिछोला पे भी आप जा सकते हो। व्हाट अ ब्यूटी उदयपुर इज। सच में हम जन्नत में रहते हैं। ये देखो दूध तलाई, दूध तलाई है ये। ये लेफ्ट हैंड साइड ऊपर मंदिर जाने का रास्ता है। ये मनसापूर्ण करणी माता मंदिर। यहाँ पे आप दिल से और सच्चे भाव से जो भी माता से मांगो वो आपको मिलेगा। जय माता दी। पैरट्स इन द पार्किंग एरिया। यह एंट्रेंस, यहां से चढ़ाई स्टार्ट होती है। ये व्यू मॉर्निंग में जन्नत। सो लेट्स गो। जय माता दी। ये मिडल वे है। ये मिडल ऑफ द वे सी जन्नत। ऑसम प्लेस, फुल ऑफ ग्रीनरी। हमें वहां तक जाना है, माता का मंदिर। वेलकम।
रोप वे भी दिखाऊंगा मैं आपको। हम स्टेयर्स के थ्रू है, मॉर्निंग में रोप वे बंद रहता है। ये देखो, जय माता दी। ये रोप वे पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, ये यहाँ से जाता है और ये अप होते हुए वहां पे। क्यों ना टच करो ना, आ जाएंगे। सबसे बड़ा करणी माता का मंदिर बीकानेर में है। वहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में चूहे आपको मंदिर के परिसर में घूमते हुए मिलेंगे। संडे यहाँ पे यहाँ के ग्रुप वालों की तरफ से प्रसाद वितरित होता है, जो एक बहुत ही नेक काम है। ये सेकंड साइड गेट है करणी माता मंदिर जाने का। इस साइड एक दरगाह भी है। ये वॉल ऑफ चाइना टाइप का फील आएगा आपको, ब्यूटी।
ऑल नेचुरल ब्यूटी। जाने का रास्ता अभी ये बंद है, शायद 11 बजे के आसपास ही ओपन अप होता है। ये रोप है, यहां से मंदिर बहुत नजदीक हो जाता है। जो इतनी ज्यादा चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं उनके लिए कन्वीनियंट है कि वो रोप वे के थ्रू आए और माता के दर्शन करें। जय माता दी। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, जस्ट लाइक शेयर एंड कमेंट। हेलो एवरीवन, इट्स संडे मॉर्निंग 6:30 AM। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जो पहाड़ पे है और वहाँ पे माता का मंदिर है। उस मंदिर का नाम है नीमच माता, जो बहुत ही फेमस है। तो चलो लेट्स गो। यहाँ पे फ्रेश जूस पियेंगे अपन, उसके बाद मंदिर की तरफ चलेंगे। ये सर्कल है, मिडल ऑफ द वे। यहाँ पे सर्कल पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, चाय भी और जूस भी। मैंने लिया है गाजर का जूस। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है जूसेस की, वो आप अलग अलग आपकी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। मुझे ये पसंद है तो मैंने ये लिया है। हैव इट। नाइस। सो नाउ वी रीस्टार्ट अवर जर्नी। ये सोबाग पूरा सर्कल है, यहाँ की फेमस चाय है और जूस का भी ऑप्शन मैंने आपको दिखाया, रजवाड़ी चाय, नाइस वन। उजाला हो गया, 6:30 बजे हम निकले थे तब तो बहुत ज्यादा अंधेरा था, अभी 6:52 हो रहा है।
652 पे थोड़ा बहुत उजाला हो चुका है। सो लेट्स बिगिन द जर्नी बैक। ये हम नीमच माता के मंदिर पहुंच गए हैं। ये सीधा रास्ता फतेह सागर के पाल पे जाता है और ये राइट साइड माता का नीमच माता द्वार। हमको राइट साइड टर्न मारना है। यहाँ पे जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए स्टेयर्स हैं, चढ़नी पड़ेगी। कोई इजी व्हीकल या फिर आप डायरेक्ट बाय व्हीकल वहां तक नहीं पहुंच सकते, आपको चढ़ाई चढ़नी ही पड़ेगी। दोनों चीजें ऑप्शन है आपके पास, वो मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। और इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। अगर आप रोज सवेरे चढ़ते हैं तो आप फिजिकली भी फिट रहते हैं, और सबसे बड़ी बात माता के दर्शन आपको मॉर्निंग में करने को मिलते हैं, इससे बड़ी चीज क्या चाहिए। ये मेन एंट्रेंस ऑफ नीमच माता। देयर आर टू वेज टू रीच देयर। एक पुराना रास्ता जो सीढ़ियों का है, और दूसरा एक फ्लैट सरफेस बनाया नया। जय माता दी। ये पुराना रास्ता जो सीढ़ियों का है, और ये फ्लैट सरफेस। हम इस रास्ते से वहां पे पहुंचेंगे। सो लेट्स गो। वन रिक्वेस्ट टू ऑल, यार ऐसी जगह पे आके आप कचरा मत फैलाओ। आप सफाई नहीं कर सकते, एटलीस्ट खराब करके गंदा मत करो। सो प्लीज। ये मिडल ऑफ द वे, यहाँ पे आप आराम से आओ, जो थक जाए वो यहाँ पे रेस्ट कर सकता है। उसके बाद अगेन द जर्नी स्टार्ट। व्यू देखिए, मॉर्निंग में यहाँ पे आने का एक अलग ही आनंद है। सी द व्यू, एक नंबर। बोले तो क्या बात, क्या बात, क्या बात। वाह, इट्स सनराइज जो ऊपर आ चुका है। बट गाइस, जस्ट कम एंड वीडियो में नहीं पता पड़ेगा, आप फील करो आके। एक अलग ही इंटरनल खुशी मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये हम मंदिर के तक पहुंचने वाले हैं, वो राम मंदिर। जय माता दी।
फ्रेंड्स, ये जर्नी कंप्लीट हुई। आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय, टेक केयर। जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हाँ, तो हम अपनी कार में आ चुके हैं, अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और ये टूर बहुत ही यादगार रहेगा। हमारे साथ आपकी फेवरेट क्यूट हीर है और जो बहुत ही एनर्जेटिक है, ये भी आपको एक्सप्लोर कराएगी जगह को। सो गाइस, जस्ट सी कंप्लीट द वीडियो एंड एंजॉय। नाउ वी गो। आज हम महाकाल के मंदिर के दर्शन कराएंगे आप लोगों को। यहाँ का बहुत ही फेमस जगह है और गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप जो एक्सप्लोर करने वाले हैं वो आप देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि हम स्वर्ग में आए हैं। उदयपुर वैसे ही स्वर्ग सिटी है, इट्स लेक सिटी बट इट्स आल्सो कॉल्ड एज स्वर्ग सिटी। सो जस्ट फॉलो अस। ये हमने स्टार्ट की है अभी, लगभग हमको 15-20 मिनट लगेंगे सिटी एरिया क्रॉस करने का, फिर उसके बाद हम वहां पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपको जन्नत के नजारे देखने को मिलेंगे। आज धूप है, गर्मी ज्यादा है, पर फिर भी मजा बहुत आने वाला है। और गाइस हमको आज बहुत गर्मी नहीं, ठंड लग रही है। हमारे क्यूट हीर को ठंड लग रही है गर्मी के मौसम में, ये भी हमारी क्यूट हीर की है, अलग ही बात है। सो लेट्स गो। बैक साइड है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल इसका बैक साइड देख रहे हैं। अभी हम ऑन द वे टू उबेश्वर महादेव है। टॉप मोस्ट, ये हम ऑन द वे हैं। रास्ता पूरा बना नहीं, अभी थोड़ा बहुत कच्चा है, खराब है, बट फिर भी कंफर्टेबल है, इतना बुरा नहीं है। आपकी जब नहीं रहता है, ये एवरी टाइम शाम को 7 बजे बंद होता है सज्जनगढ़। यहाँ पे जानवर आ जाते हैं, रात को गलती से भी मत आ जाना। ये आर्मी वाले लोगों का फ्लैट्स तैयार हो रहे हैं, बहुत ही लार्ज स्केल पे, ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये भी आपको रास्ते में आप एकदम सही जा रहे हैं, काफी कुछ रास्ता बहुत अच्छा बन गया है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो ड्राइवर अनट्रेन्ड है और जो नए नए सीखे हैं, प्लीज इस रोड पे थोड़े से संभल कर आए, क्योंकि ये रोड पे बहुत ज्यादा टर्न्स हैं जिस कारण से बहुत सारे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। अब आप व्यू देखिए, ये तो अभी धूप है, बारिश के टाइम में ये एकदम स्वर्ग है। अब क्यूट हीर आपसे कुछ बोलेगी, वो चिप्स खाने में मशगूल है। हाँ, शी इज एंजॉयिंग जस्ट। ये देखिए, ड्राइव सेफली,
रोड में बहुत सारे टर्न्स हैं, गाड़ी एकदम से आपके ऊपर आएगी और आपको पता भी नहीं पड़ेगा, इसलिए जॉन ट्रेन ने कृपया करके यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके ना आए, किसी ट्रेन के साथ ही आए। आप टू व्हीलर से भी यहाँ पे आ सकते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी टू कम इन फोर व्हीलर। ये भी स्टार्टिंग हुई है, चढ़ाई अभी बहुत बाकी है, वो हम धीरे धीरे चढ़ेंगे और उसके बाद आपको और फील आता जाएगा। जैसे माउंट आबू की चढ़ाई है उसके सिमिलर ही ये चढ़ाई है, महादेव का स्थान ये देखिए। और ये पास पास में जो है वहां पे जब बारिश होती है तो पानी बहता रहता है, ये बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट भी है, यहाँ पे पूरे झरने बहते रहते हैं। अभी बारिश नहीं है इस वजह से पानी सूखा हुआ है, अदरवाइज बारिश के टाइम में पूरा ये नहर चलती है। ये एक्चुअली स्टार्ट हो गई है चढ़ाई, सो आप देखिए। रास्ता 75% एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत है टफ, टफ तो क्या, थोड़ा सा खराब रास्ता है जो अभी काम चल रहा है, बाकी आप इजीली पहुंच सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो ड्राइवर अनट्रेंड हो वो गाड़ी लेके इधर नहीं आए। ये हम उबेश्वर जी मंदिर पहुंच चुके हैं, संडे के कारण काफी रश है, पब्लिक बहुत सारी आई है। यहाँ पे नदी है जहाँ पे बहुत सारी फिशेज हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। Thank you.
आपकी क्यूट हीर। आप अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर और मस्त जगह है। बस अपने पेट के साथ मत आना। आप आओ, बारिश के टाइम में यहाँ पे झरना बहता है, जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उबेश्वर जी महादेव आप मैप पे सर्च करेंगे गूगल पे जाके तो भी आपको इस डेस्टिनेशन तक वो पहुँचा देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ से बारिश के टाइम में झरना बहता है। अभी एट प्रेजेंट लोगों ने पूरा इसको गंदा कर रखा है। थोड़ी सी सफाई का ध्यान अगर हम लोग रखेंगे तो हर प्राकृतिक चीज साफ सुथरी, हर मंदिर स्वच्छ और हर पानी निर्मल बना रहेगा। ये सब आपके ऊपर, अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। पहल आपको ही करनी पड़ेगी। उबेश्वर महादेव का नेचुरल लेक है, यहाँ पे फिश है, इनको आप बिस्किट चने लेके आओ और वो खिलाओ। ये देखो ऑरेंज कलर फिशेस। महादेव के दर्शन के बाद यहाँ से पास में वैष्णो देवी टेम्पल है, अब हम वहाँ चलते हैं, जो यहाँ से बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हैं, उतना दूर है। तो चलो माता के दर्शन।
बाद भैरवनाथ के दर्शन करना बहुत जरूरी है, तभी आपके दर्शन सक्सेसफुल होते हैं। यह भैरवनाथ के मंदिर है। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको फेमस 5 टेम्पल्स जो नियरर है उदयपुर के, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में वो दिखाया। और कैसा लगा आपको? ये सब मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही बहुत सारे मंदिर और भी हैं। मैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर आऊंगा आपके लिए लेके कुछ नए मंदिर और नई प्लेसेस लेके। तो ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नए वीडियो अपलोड कर सकूं। आपके प्यार की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई प्लेस के साथ, नए एडवेंचर के साथ। जय भारत, जय हिंद। कैसा लगा आपको, लाइक और कमेंट करना और शेयर करना। बाय, टेक केयर, सी यू।